हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपोस्टाइल के बारे में। जी हाँ, अपोस्टाइल क्या होता है, इसके क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये अपोस्टाइल क्या होता है। अपोस्टाइल होता है वन टाइप ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में। फ्रेंड्स, मैं इंडिया से हूँ तो मैं आपको इंडिया से रिलेटेड अपोस्टाइल के बारे में बताऊंगी। इसमें कैसा होता है कि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टैम्प है वो आपके डॉक्यूमेंट के पीछे उसका स्टैम्प और स्टिकर लगा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अपोस्टाइल कराना क्यों जरूरी है। बिकॉज ये वन टाइप ऑफ वेरिफिकेशन होता है कि जो अगर आप वहां पे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या आप वहां वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है। इसके लिए अपोस्टाइल कराना जरूरी। थर्ड स्टेप जो है, मैं वो आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अपोस्टाइल कराना कंपलसरी है। तो उसके लिए अगर आप लोग पढ़ाई के लिए आप अब्रॉड में मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका सबसे हायर क्वालिफिकेशन एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको वो अपोस्टाइल कराना है। उसके अलावा अगर आप वहां पे जॉब के लिए जा रहे हैं वर्क करने के लिए, तो आप अगर मैरिड है, अगर आप अपनी पत्नी वाइफ को लेके आ रहे हैं अब्रॉड में, तो उसके लिए आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। साथ में अगर आपका कोई बच्चा है तो आपको उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है आपको अपोस्टाइल कराना। कितने स्टेप्स होते हैं? नॉर्मली इसके तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है नोटरी। नोटरी में कैसा होता है कि आप अपने यहाँ के कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई लॉयर भी हायर कर सकते हैं। उसके नॉर्मली जो चार्जेस होंगे डिपेंड करता है लॉयर पे। आप उसे पे करके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो नोटरी करवा सकते हैं। अपोस्टाइल का जो सेकेंड स्टेप है वो है एसडीएम अटेस्ट्रेशन। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऑफिस में जाना है। वहां पे आपको फॉर्म फिल करना है कि आप अब्रॉड क्यों जा रहे हैं, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या वहाँ पे आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं। आपको फॉर्म में सब सारी डिटेल्स फिल करना है, फिर आपको वो फॉर्म को सबमिट करना है। तो जब आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी। वो डेट पे आपको आपको ये डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जमा करना है। बट फ्रेंड, कैसा होता है ना कि ये जो प्रोसेस है ना एसडीएम के पास, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बिकॉज कैसे, इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो वर्क है ना काफ़ी स्लो है। तो कैसा है कि अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू जाते हैं, लाइक आपका डीएम से कॉन्टैक्ट है तो अच्छा है, अदरवाइज आपका कांटेक्ट नहीं है, अगर आप किसी के थ्रू जाते हैं तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बिकॉज कैसा रहता है, ये काफी लेंथी प्रोसेस होता है। अगर आप किसी कांटेक्ट के थ्रू जाएंगे तो आपका काम काफी जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराने का वो होता है MEA। MEA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, बट इसके काफ़ी सारे सेंटर है जो इंडिया में है। तो आप अपने घर के पास के कोई भी सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट खुद से, मतलब रीजनल ऑफिस में जाके, जो लोकल ऑफिस होता है वहाँ पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वो अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट काफ़ी ईजिली अपोस्टाइल करा के आपको दे देंगे। तो कैसे होते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो स्टैम्प होता है ये नोटरी का स्टैम्प होता है, और जो इसके ऊपर है ये अपना एसडीएम का स्टैम्प है, और जो इसके ऊपर वाला है ये आपका एमईए का स्टैम्प है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। इस तरह का स्टैम्प होता है, ये देखिए। तो आपको मैं एक और चीज बताने जा रही हूँ, जैसे कि अगर आप कोई कंपनी के थ्रू आप यहाँ पे आ रहे अब्रॉड में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो कैसा होता है कि जो भी उसके जो प्रोसेस होते हैं अपोस्टाइल के, वो आपकी कंपनी आपको करके देगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, अगर आपकी कंपनी ये सारी प्रोसेस करके दे रही है तो आपके लिए काफ़ी ईजी है ये चीज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूंगी जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से जाके भी आप अपने जो अपोस्टाइल के जो प्रोसेस है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो लिंक पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोसेस पता चल जाएंगे कि आपको आपके डॉक्यूमेंट कैसा, मतलब ऑनलाइन भी वेबसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सारे अपोस्टाइल हो जाते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा की तरह उसके आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।